इन द मीनवाइल जितनी देर में बात कर रहा था, फनाटिक काफी अग्रेसिवली पुश करती हुई INAS के ऊपर एंड दे आर गोना मेक रेगल्टॉस आखिरी उम्मीद है टीम सोल की, उनको ये क्लिफ का फायदा उठाना पड़ेगा और उनको लास्ट मोमेंट पे उठना पड़ेगा। बट फिलहाल अभी ट्रांस की गाड़ी के अंदर बैठ के यहाँ पे हीलिंग करेंगे, तो ये हमने देखा था आई गेस एक इंडोनेशियन टूर्नामेंट पे, और चाइनीज भी ये स्ट्रेटेजी काफी इस्तेमाल करते हुए और सेम चीज यहाँ पे टीम सोल के प्लेयर्स यूज करते हुए। बट वैक्सीन आई गेस उनको पता है यहाँ पे दो तीन बंदे तो है ही, अगर रेगल्टॉस को यहाँ पे गाड़ी के अंदर स्पॉट कर देते हैं वैक्सीन तो इंस्टेंटली उनको फिनिश ऑफ भी कर लेंगे। तो यहाँ पे वैक्सीन ने मिस कर दिया, देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे रेगल्टॉस गाड़ी के अंदर नीचे चले गए, क्योंकि अगर गाड़ी के अंदर बैठे तो काफी ज्यादा दिक्कत होने वाला है। बट वैक्सी को इस बात का बिल्कुल भी लिहाजा नहीं है, वैक्सी उनको पता है जोन के उसके ऊपर जा सकते हैं। ज़ीब्रा ने वहां पे फनाटिक के फ्रांकी को नॉक कर दिया, पेकासास के वैक्सी ने वहां पे एलिमेंट्रिक्स के मिस्टर योजु को स्पॉट आउट करके नॉक कर दिया, फ्रांकी को इंस्टेंटली फिनिश ऑफ भी कर दिया गया। अभी टीम फनाटिक के तीन प्लेयर्स है और आप देख सकते हो जो यहाँ पे गुच्छा बन चुका है, यहाँ पे 8 टीम्स है, 21 प्लेयर अभी भी जिंदा है। ऑनकोर ने आगे स्काउट को स्पॉट कर लिया है, बट ऑनकोर अगर शॉट्स लेंगे उनको पीछे की तरफ से एश का भी शॉट पड़ सकता है। रेगल्टॉस अभी भी बिल्कुल दुश्मन के बगल में यहाँ पे सर्वाइव करते हुए उनके नाक के नीचे यहाँ पे जिंदा है। मेगास्टार्स के वैक्सी यहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, टीम पावर हाउस के प्लेयर्स को स्पॉट करके इंस्टेंटली नॉक करके फिनिश भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई गेस रेगल्टॉस गाड़ी के अंदर बैठते बैठते टीम को अपनी टॉप 8 पोजीशन इन्होंने सिक्योर करवा दी। बट एसजी के सिर्वी ने वहां पे फनाटिक के एश को इंस्टेंटली नॉक करके फिनिश कर दिया, और यहाँ पे हाइप का फाइट चलता हुआ गॉडल के साथ और स्मोकी का बहुत ही बेहतरीन व्हीकल एक्सप्लोजन, तो नहीं गॉडल किंग एग्जिस्टेंस का यहाँ पे व्हीकल एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, और पूरी की पूरी टीम हाइप की स्क्वाड को फिनिश कर देते हुए। यहाँ पे मेगास्टार्स के वैक्सी बहुत ही कॉशियसली खेलते हुए, बट रेगल्टॉस अपने आप को बिल्कुल भी रिवील नहीं कर रहे। ये एक बहुत ही अच्छा चीज भी बोल सकते हो, फनी चीज भी बोल सकते हो, बट यहाँ पे टीम सोल एज लॉन्ग एज सर्वाइविंग एज लॉन्ग लेट तक जिंदा है कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं वेट कर रहा हूँ रेगल्टॉस कब अपने गाड़ी से निकलेंगे और इंस्टेंटली वैक्सी को और पैराडॉक्स को नॉक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर नॉक करते तो 3 प्लेयर्स के 4 प्लेयर्स है इसीलिए शायद वहां पे नहीं निकल रहे। मैं भी वेट करेंगे जब जोन यहाँ पे क्लोजिंग कर रहा होगा तभी निकल के एक दो प्लेयर को फिनिश कर देंगे इंस्टेंटली, उनका जो किल है वो सिक्योर कर देना चाहेंगे। बट यहाँ पे मेगास्टार्स के ऑनकोर और वैक्सी को आप देख सकते हो अभी रिज के नीचे से खेल रहे हैं, यहाँ पे जोन आई गेस उनके फेवरिंग में है इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट ऑनकोर यहाँ पे आई गेस कोशिश कर रहे हैं कि रेगल्टॉस को स्पॉट कर सके, अगर यहाँ पे गाड़ी के ऊपर स्प्रे डालते तो इंस्टेंटली यहाँ पे रेगल्टॉस कूद सकते हैं। बट रेगल्टॉस भी डरने का नाम नहीं ले रहे, वो भी वहीं पे डटे हुए गॉड किल की तरफ, मोलोटोव आता हुआ जल रहे यहाँ पे बट बैंडेजेस के साथ हीलिंग ले रहे। ये सिचुएशन ये फाइट्स काफी ज्यादा इंटेंस यहाँ पे हो चुके जॉनी, एंड आई एम रियली एक्साइटेड देखना कि कौन यहाँ पे चिकन डिनर लेके निकलता है। जी आप तो मैं भी देखना चाहूंगा कि कौन सी टीम यहाँ पे चिकन डिनर लेके निकलना चाहेगी, क्योंकि रेगल्टॉस जिस पोजीशन में अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा हो, इतनी देर से उस गाड़ी के अंदर पानी के अंदर बैठे मेगा स्टार्स के सारे प्लेयर्स इनके आगे मौजूद है, कोई इन पे गोली नहीं चला रहा, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर देयर। दूसरी तरफ अगर बात करें तो सेल्स के जो रॉक थे रॉक्स, उन्हें यहाँ पे प्लेस उनके हाथों अपनी जान गंवानी पड़ेगी। गॉडला एक आज भी काफी एक उम्दा परफॉर्मेंस देती है, जिसको यहाँ पे नॉक कर दिया जाएगा बाय स्ट्राइडर फ्रॉम सिनर्जी, और स्मोकी एक जंप पीक लेने की कोशिश करते हुए उस वॉल के ऊपर से और ले भी लिया। आई थिंक इनके पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कितने प्लेयर्स वहां से चार्जिंग करें। दूसरी तरफ गिल का यहाँ पे कवर अप जाता हुआ अपने टीम और प्लेयर्स के लिए, 3 प्लेयर्स यहाँ पे बचे, कैरी को काफी देर पहले निकाल दिया गया था, एंड स्मोकी वहां पे सिनर्जी के टेड को निकालते हुए काफी अच्छी पोजीशन में अपनी टीम को डालने की कोशिश करेंगे, बट सिनर्जी के बाकी प्लेयर्स भी बचे। और आपको मेगा के बारे में भी परवाह करनी पड़ेगी, स्वैग हल्का सा पीक लेते हैं, एक और प्लेयर को बाहर निकालते हैं, एंड गॉड लाइक उनके लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इन द मीनवाइल फनाटिक के स्काउट को यहां से निकाल दिया जाएगा, बट अभी भी हमारे पास इस गेम में 5 टीम्स बची हैं, 11 प्लेयर्स अभी भी जिंदा है। फनाटिक के पास एक पोजीशन काफी ज्यादा अच्छी है, एक कवर है उनके पास, उनको अपने स्ट्रेट में सारी ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन में सारी फाइट्स लेनी है। दूसरी तरफ से अगर गॉडलाइक और सिनर्जी की बात करें तो इनके लिए थोड़ा सा स्प्रेड है जिसके साथ इनको डील करना पड़ेगा, बट इन द एंड इनके पास भी पोजीशन काफी ज्यादा अच्छी। सिनर्जी के पास कोई कवर नहीं है तो उसके लिए उनको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। पैराडॉक्स यहाँ पे ओबेस को हाई ग्राउंड पे स्पॉट आउट करते हुए, बट एक अच्छा एंगल नहीं है तो शॉट्स यहाँ पे कनेक्ट नहीं होंगे। पावर हाउस के डार्क जो है वो भी बिल्कुल स्टेल्थ मोड में जा चुके हैं, फनाटिक के बिल्कुल बगल में मौजूद है और अभी तक उन्होंने जरा सी भी साउंड नहीं किया जिससे कि कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले उनके ओपोनेंट्स को, जो काफी अच्छा डिसीजन यहाँ पे साबित हो सकता है। Yes, और यहाँ पे टीम फनाटिक अभी तक सर्वाइव करते हुए 7 किल्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बट हमारे जो साइलेंट असैसिन एसजी के जो यहाँ पे बंदों ने जो जिस हिसाब से खेल रखी है, कुछ फ्लैशी प्लेस नहीं करते बट सिंपल टेक्स्ट बुक फिनिश रहती है उनकी, हमेशा जो गेम प्ले रहती है बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड, उनका जो टीम गेम है बहुत ही बेहतरीन रहता है। और तारीफ करते करते यहाँ पे श्राइडर जो है नॉकआउट हो चुके हैं गॉडल के गिल के द्वारा, इंस्टेंटली फिनिश भी हो जाएगा। सिर भी काफी लो एचपी पे है इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि शॉट्स अभी ना ले, ताकि इंस्टेंटली पहले अपने आप को हील कर ले।
तो गॉडल गिल यहाँ पे गेम से बाहर होते हुए, बट अभी भी गॉडल गेम के अंदर है, उनके एक और टीममेट जरूर जिंदा रहेंगे। बट मेगास्टार्स यहाँ पे जिस हिसाब से रिच के अराउंड प्ले कर रही है, ये दर्शाता हुआ कि इनको इस मैप का कितना बेहतरीन नॉलेज है। इनको पता है, हम लोग यूजुअली जब भी कोई नॉर्मल बंदा खेलता है तो ये रिजिस की तरफ से बिल्कुल नहीं खेलता, क्योंकि किसी को डर रहता है कभी फिसल जाए क्या निकल पाएंगे। बट यहाँ पे ओवेस ने ऑनकोर को स्पॉट कर लिया, एक इजी मौका था यहाँ पे नॉक करने का बट मिस कर गया, एंड स्वैग का यहाँ पे बेहतरीन नॉक आता है फनाटिक के ओवेस की तरफ। स्काउट आई डोंट थिंक अभी उनको बचाने के किसी भी पोजिशन में है, इंस्टेंटली नेट जाएगा, ओवेस को फिनिश करना चाहेंगे टीम मेगास्टार्स के खेमे में, और एक बेहतरीन खेल जाता हुआ यहाँ पे मेगास्टार्स के स्वैग रुकने का नाम ले रहे। प्ले जोन से यहाँ पे फनाटिक के स्काउट फिनिश हो चुके हैं, और इसी के साथ तीन टीम यहाँ पे बचती है। एसजी के ऑस्टिन यहाँ पे स्प्रे डाउन करते हुए मेगास्टार्स के वैक्सी को काफी ज्यादा लो कर दिया, वैक्सी को अभी एक 1v1 फाइट लेना पड़ेगा ऑस्टिन के साथ, बट वैक्सी यहाँ पे बैक ऑफ करते हुए और उनकी जो टीममेट थे उनको अच्छा खासा कवर फायर दे रहे। सिर्वी ने वहाँ पे स्वैग को नॉक कर दिया, पावर हाउस के डार्क यहाँ पे प्ले जोन से फिनिश हो चुके। तो ये जो फाइट है फाइनल फाइट मेगास्टार्स और टीम एसजी के बीच में होने वाला है। वैक्सी अभी हील अप कर चुके, इंस्टेंटली पुश इट करना चाहेंगे, ऑस्टिन यहाँ पे स्प्रे डालते हुए उनके ऊपर, अकेले बचे 1v3 का फाइट है, देखना पड़ेगा ऑस्टिन क्या इस फाइट को निकाल सकते हैं। वैक्सी को काफी ज्यादा डैमेज देने की कोशिश की, बट इट्स मेगास्टार्स जिन्होंने यहाँ पे चिकन डिनर निकाला है 9-10 11 किल्स के साथ। टीम मेगास्टार्स इज बैक अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन।